2020 फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के लिए बेहद ही मनहूस रहा है। एक तो लॉकडाउन की वजह से स्टार्स और आर्टिस्ट के काम ठप पड़ गए हैं, जिसकी वजह से कई लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करने पड़ रहे हैं, तो वहीं पिछले एक महीने में इस लॉकडाउन में इंडस्ट्री में कई अनहोनियां हुई। यानी कितने सेलिब्रिटीज पिछले एक महीने में इस दुनिया को अलविदा कह गए और कई स्टार्स ने तो अपनों को भी खो दिया। और आज हम आपको उन्हीं सेलिब्स के बारे में बताने जा रहे हैं। सचिन कुमार। सीरियल कहानी घर घर की के एक्टर सचिन कुमार का 15 मई को हार्ट अटैक से निधन हो गया। वो मुंबई के अंधेरी में रहते थे। 42 साल के सचिन बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार के कजन लगते थे। बाद में सचिन ने एक्टिंग छोड़ फोटोग्राफी में अपना करियर बना लिया था। शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट कंपनी के एक इम्पोर्टेंट मेंबर अभिजीत का भी निधन हो गया। अभिजीत रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की शुरुआत से जुड़े हुए थे। 15 मई को ट्वीट कर रेड चिलीज ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। अभिजीत के डिमाइस के बाद शाहरुख ने कहा था, हम सभी ने ड्रीम्स अनलिमिटेड के साथ फिल्में बनाने की यात्रा शुरू की। अभिजीत मेरा सबसे अच्छा सहयोगी था। हमने कुछ अच्छा किया और कुछ गलत, लेकिन हमेशा हम आगे बढ़े। वो टीम का मजबूत सदस्य था। तुम बहुत याद आओगे मेरे दोस्त। एक्टर आमिर खान के असिस्टेंट अमोस ने 12 मई को अंतिम सांस ली। वो 60 साल के थे। अमोस करीब 25 साल से आमिर खान के लिए काम कर रहे थे। ऐसे में बॉलीवुड इंडस्ट्री में अमोस के बहुत से करीबी लोग भी थे और अमोस की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। सई गुंडेवर। पीके और रॉक ऑन जैसी फिल्मों में नजर आ चुके एक्टर सई गुंडेवर का 10 मई को अमेरिका में डिमाइस हो गया था। सई पिछले एक साल से ब्रेन कैंसर से लड़ रहे थे। शफीक अंसारी। 10 मई को टेलीविजन के मशहूर एक्टर शफीक अंसारी का निधन हो गया। शफीक कैंसर से पीड़ित थे। शफीक ने क्राइम पेट्रोल में कई किरदार निभाए थे। 52 साल के शफीक अंसारी ने मुंबई में अंतिम सांस ली। ऋषि कपूर। ऋषि कपूर पिछले 1.5 साल से ल्यूकेमिया से लड़ रहे थे। उन्होंने लंबे समय तक न्यूयॉर्क में भी इलाज कराया था। ऋषि कपूर की तबीयत बिगड़ने के बाद HN रिलायंस हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कराया गया, जहां 30 अप्रैल को उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। इरफान खान। इरफान खान का निधन 29 अप्रैल को हुआ था। साल 2018 में इरफान खान को पता चला था कि वो न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर से पीड़ित है। निधन से पहले तबीयत बिगड़ने पर उन्हें कोकलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। मनमीत गरेवाल। नवी मुंबई के खारघर इलाके में रहने वाले टीवी एक्टर मनमीत गरेवाल ने खुदकुशी कर ली। 32 साल के मनमीत अपनी वाइफ के साथ किराए के फ्लैट में रहते थे। लॉकडाउन की वजह से टीवी सीरियल का काम बंद था। ऐसे में वो फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे थे और मनमीत ने शुक्रवार देर रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। वाकई में पिछले एक महीने में इंडस्ट्री में काफी बुरा दौर चल रहा है। इस लॉकडाउन में कोरोना की वजह से वैसे ही देश में कई लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में इंडस्ट्री में भी गम का माहौल है। न जाने ये टाइम कब जाएगा और सब कुछ पहले जैसा ठीक कब होगा। C4B इन स्टार्स और सेलेब्स को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि।